एक मैं आपको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे, सेम रश वर्सेस एचआरएफ, आप किसको चूज करोगे और क्यों करोगे? कौन सा सेम रश, एसएम रश और एचआरएफ, उसमें से आप क्या चूज करोगे और क्यों करोगे? ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है वैसे तो, दोनों ही बहुत मस्त है सच को तो। अगर आपको ऑल इन वन प्लेटफॉर्म चाहिए तो एचआरएफ मेरे ख्याल से बेटर है, और लेकिन एचआरएफ भी बिल्कुल कम नहीं है मतलब वहां पे। और एचआरएफ की सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे ना आपको इन डेप्थ ट्यूटोरियल वगैरह बहुत सारे है उनका, मतलब प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल जिसे हम कहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। उनका यूट्यूब चैनल बहुत मस्त चैनल है, मतलब वहां पे आपको रेगुलरली वीडियोज मिलते रहते हैं जो आपको सिखाते रहते हैं एचआरएफ को कैसे यूज करना है, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो अगर कोई बिगिनर है तो मेरे ख्याल से एचआरएफ से बेटर उनको एचआरएफ लगेगा, क्योंकि सिंपल इंटरफेस होती है ऊपर से, फिर उसके ट्यूटोरियल्स बहुत ज्यादा है और वो भी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स, ऐसा नहीं कि बस थियोरेटिकली बता दिया कि आपको ये करना है वो करना है, नहीं, यूज करते हुए टूल्स को यूज करते हुए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, तो इस वजह से भी लोग वहां पे प्रेफर करेंगे। तो मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूं तो मैं शायद एचआरएफ पे जाऊं, लेकिन बिल्कुल एचआरएफ मुझे थोड़ा सा भी कम नहीं लगता, मतलब बस डिफरेंट लोगों के लिए है दोनों टूल, ये कह सकते हैं आप। मेरे साथ भी सेम था जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मेरे को मतलब बैकिंग स्टॉप करना, कॉम्पिटिटर्स के रैंकिंग कीवर्ड देखना वगैरह, ये सब के लिए तो मैं एचआरएफ यूज करता था पहले, फिर धीरे धीरे आदत लग गई एचआरएफ यूज करने की, तो अभी ऑलमोस्ट दोनों यूज कर लेता हूँ, जो सामने है उसी को काम में लगा लेते हैं। सेम है मेरा भी एक्चुअल, मैं तो मल्टीपल कीवर्ड टूल्स जो है वो चेक करता हूँ कंफर्म करने के लिए कि डेटा सही है या नहीं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेटा मिलती है आपको, अगर आप ट्राई करेंगे तो पता चलेगा।